सारे बाने को बाबू सब बाने जाकर सारे आज बाने आज मेहमान से मैं ही आया ठीक है लो जनाब प्यारी मैं सिर्फ हाजरी है मौला कौम के साथ मैं अर्ज कर रहा सर कि पूरी दुनिया हजरत अली अलैहिस्सलाम के दो बेटे चो एक बेटे की जंग ते बहस कर दी दूसरे बेटे की सुलह ते बहस कर दी और लोगों के नज़दीक ये गलत फहमी है कि शायद हजरत अली के एक बेटे जड़े ने वो जंग पसंद करते सन और दूसरे बेटे जड़े ने वह सुलह पसंद सन यानी कि शक के लोगों के हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तबीयत जरा नरम सी वह सुलह पसंद सन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तबीयत जरा गर्म सी और जंग पसंद सन जो सुलह पसंद सन उन्हें सुलह की ना उस बिल्ला तो जो जंग पसंद सन उन्हें करबला च जंग की। जनाब एक बेटे हजरत अली अलैहिस्सलाम के सुलह पसंद सन उन्हें सुलह की एक नौस बिल्ला जंग पसंद सन उन्हें जंग की पैगंबर आजम का इरशाद है कि ये मेरे दोनों बेटे इमाम हैं चाहे बैठे हुए हों चाहे खड़े हुए तो बहन उठन का मतलब यह नहीं जिम्मे चौधरी शौकत साहब बैठे ने बाबा जी बैठे ने तो मैं खड़ोता वो नहीं नबी ने फरमाया ये मेरे दोनों बेटे इमाम हैं बैठे हुए हों या खड़े हुए हों इस बैठ से उठन का मतलब हजूर का यह है अगर कोई तलवार लैके खड़ा हो जाए ता भी मेरा बेटा है अगर कोई सुलह करके घर बैठ जाए ता भी मेरा बेटा है। मेरे मोहतरम सामईन ये जंग करते हैं तो इस्लाम की खातर ये सुलह करते हैं जिन्हें अज तक खोलिया ही नहीं ज्यों का घर आया बंद ही पे अगर दो वर्के कित प्रेस जुड़ गए ना पुराने पाक दे तो जुड़े ने हम कोई खोले तो जो बिचों किसे पढ़ना हो मेरे दोस्तों जोड़ा कारी है वह भी यदि हिफाजत करता है जो हाफज कुरान है वह भी यदि हिफाजत करता है हाफज कुरान तो इन्नी हिफाजत करता है उन्होंने वखरा रखने की लड़ ही नहीं उन्हें जेहन च सारा कुरान रखे जो हाफज कुरान है उन्हें जेहन च सारा कुरान रखे एक तो मैं दसा जे गल सिर्फ हाफजा तो होती ना फिर यजीद जित जाना अगर गल सिर्फ हाफजा तो होती हाफज तो सारू सता जेने यजीद की बैत कर सुन हजरत इमाम हुसैन ने सलाम मदीने को उठे ने बसरे च मुसलमान कोई नहीं सन कूफे च मुसलमान कोई नहीं सन मक्के च होर मुसलमान कोई नहीं सन क्या बड़े बड़े लोगों की औलादा मौजूद नहीं सन सिर्फ अली का बेटा ही मौजूद सी यार बाकी भी तो लोगों के बेटे मौजूद सन कुरान हाथ च लैके ऐलान कर रहा पूरी दुनिया में बाबा जी बड़े बड़ों के बड़े बड़े बेटे मौजूद थे लोगों के पास हाफजे कुरान थे हुसैन के पास मुहाफजे कुरान हाफजे कुरान होना और है मुहाफजे कुरान होना मेरे मोहतरम साहब मौला तुम जजा दे मेरा पैगाम तक पहुंच गया मैं अर्ज कर लगा कि हजूर ये बहस करने तो पहले कुरान को पुछो कि हसनैन हैन कौन कुरान को पुछ लो मैं पक्की गल पे करना मैं एक लफ्ज आख्या पुराना अज फिर दोहरा रहा ये ऐनक लाइए तो बिचों सबज रंग की लाइए तो सबज नजर आ सबज रंग की ऐनक लाइए तो बूरे वाले सफेद नजर आ सबज लाइए तो सबज नजर गुलाबी लाइए तो गुलाबी वाइट लाइए तो वाइट नजर आ काली लाइए काली ऐनक लाइए तो काली नजर आ मेहरबानी कर मुसलमाना मशवरा ही दे सकना हाथी तो पैना साड़ी आदत नहीं कुरान की ऐनक ला के तारीख पढ़ तारीख की ऐनक ला के कुरान ना पढ़ मेहरबानी कर बहुत शुक्रिया मैं ना कुरान की ऐनक बहुत शुक्रिया बाबा जी नहायत मेहरबान मैं सदा के उगाम को दोस्तों को दुआ दे
यार तारीख ते कुरान च बहुत ज्यादा फर्क है। कुरान मैं मेरा ख्याल की काफी दूर है। कुरान मुअर्रख तारीख मुअर्रख दे कलम चो निकली है, कुरान मुहम्मद दे मुंह चो निकली है। तारीख मुअर्रख दे कलम चो निकली, कोई मुअर्रख ऐसा नहीं जिहड़ा तारीख लिखण लगे अपने ज़हनी रोजाना तो आजाद हो जाए। कोई मुअर्रख ऐसा नहीं जिहड़ा ज़हनी रोजाना चो आजाद होकर तारीख लिखे। मौजूदा तारीख जिहड़ा लिखेगा मुअर्रख वो दो किस्म की तारीख लिखेगा। जिहड़ा पी टी आई का मुअर्रख है वो लिखेगा बड़ा जुल्म होया, तारीख वो लिखेगा बड़ा जुल्म होया। नून लीग का मुअर्रख इसे तारीख नू निकलेगा लिखेगा जो है हक होए। एक उनू जुल्म लिखता है, दूसरा उनू हक लिखता है, क्योंकि उदा सेनी रुझान हो रहे, उदा सेनी रुझान हो रहे। एक बंदे ने ज़ियाउल हक नू शहीद लिखे है, दूसरे ने पुत्र नू शहीद लिखे है। उदा सेनी रुझान हो रहे, उदा सेनी रुझान। जिस बंदे बुरे वाले पहले दिन मजलिस शुरू कराई सी बाबा जी पहले दिन कदी, वो जिहड़ा शिया मुअर्रख लिखेगा वो आखेगा कि बुरे वाले दी तारीख च एक मोमिन गुजरे है, सैयद गुजरे है, जिस इत्थे मजलिस की बुनियाद रखी। शिया कहणगे सुभान अल्लाह। जिहड़ा मजलिस का मुखालिफ तारीख लेगा उस तारीख नूं वो लिखेगा बुरे वाले विच इस मोमिन तो पहला कोई शरारत नहीं सी। यार मैं दूजे पासे दी तारीख ना पढ़ना, इहदा मतलब है जिन्हें इबादत लिखे है उहदा सेनी रुझान और है, जिन्हें शरारत लिखे है उहदा सेनी रुझान और है। हुण पता लगे किसे रज़ी अल्लाह लिखे है किसे अलैहि सलाम जो बाबा जी तुम फरमा पर नजम शाह साहब जी। बाबा जी मैं देख नहीं सकया, मेरे ध्यान इस पास कि जल्दी जल्दी मैं ना असल च गल कि जाकरा दिया मजलिसां च ना बाबा को कुटाई हो गई तुहाडे को, वो मैं तकरीबन ना बहुत घट इस वास्ते जाना कि जो 15 भी पिछे बैठे होंगे ना कुछ दो आते होंगे आह आह मतलब बस पर तुम ध्यान दो ना पढ़ी जा पढ़ी तो फिर जिन्हें पढ़ना उन्होंने पता तुम पढ़ना तेरे वो फिर मैं सारा माहौल मेरे सहन से मैंने जिनी जल्दी अंदर हो तो भी शायद होनी ना हो शायद बाबे ने होनी ना हो। मैं अर्ज कर रहा सैनी रोजान की गल सिन कुरान पढ़ो मत तारीख की ऐनक ना के ऐनक कुरान की लाओ तो तारीख पढ़ो। मैं मशवरा दे रहा तुम एक बार कभी तर्जमे न कुरान पढ़ जाओ ना तो पता लग जाएगा तारीख च हक किन्ना है तो झूठ किन्ना। जेड़ा बंदा मेरा मशवरा करूगा जेड़ा बंदा एक बारह रोज़ का कुरान तलावत कर देना और रोज़ की एक आयत तर्जमे न पढ़े तो यार एक पारा रोज़ तलावत कर दें एक आयत तर्जमे न पढ़े उन्हें पता तो लगे आंदा की तारीख कुरान नु ठीक नहीं करती, कुरान तारीख नु ठीक करती। तुसा कभी चौल खाते ने? मैं कितने आ गया चौल कभी खाते? चौलों च कभी कभी खाद खाद वंड आ जाता, वंड वंड भी चौल ही होंगे लेकिन सड़े वर्दी होंगे। जिस चौल ने वर्दी ना उतारी होनू वंड आ जाए। यह बीबियां चौल पका ने तो पहले वंड कट दी, वंड कट के साफ कर दें और साफ चौल खाते भी ठीक जाते। तुम्हें पता है जो वंड होना चौलों में वो एक वंड भी मूँह च आ जाए तो बंदा बचना मूँह दी जीभ फेरता रहा और दूजियां भी अंदर नहीं जान देता। एक चौलों का वंड सह नहीं फिर दिता, तारीख का वंड सह फिर चौलों एक वंड आ गया वो अच्छे तरीके ने खान नहीं दिता। तुम्हें पता बंदा ना जीभ ना मूँह च हाकी पै खेलता, जो वो मर के निकलता तो फिर बंदा अपनी बीवी ने पूछता है चौल किने पकाए सन? आ भैं बैठिया ने फिर ये की आदि वाली मैं तो नहीं पका। वंड आया हो बाबा जी मूँह च दो कट कहते किन्ने पकाए सन? मैं तो नहीं सर उन्होंने पता होना जे मैं आख्या ना मैं पकाए तो एवं मेरी सख्ती आ जाएगी। वो फिर की आ छ बच्ची ने पकाए ने बच्ची ने चूंकि वो बेटी तो ना पा छड़ती है
ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼। ਧੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਹੈ ਯਾਰਾ, ਫਿਰ ਧੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਪਕਾਏ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਵੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਸਾਦਾ ਤੇ ਉਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਕਾ ਦੱਸ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੰਡ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ, ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋੜੀ ਛੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ। ਉਹਦਾ ਚਮਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਚਮਚਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਮਚਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਚੌਲ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚਮਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਵੇ ਨਾ ਕਦੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਫੀਸ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫੀਸ। ਰੋਟੀ ਬਾਹਵਾਂ ਟੋਂਕ ਕੇ ਖਾਈ ਦੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਈ ਦੀਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਫੀਸ ਹੁੰਦਾ ਅੰਜ ਕਰਕੇ, ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਰਜਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹੈ, ਅਨਿਆਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲਓ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਈ ਜਲਦੀ। ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਧੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਧੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਇਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਰਨਾ ਹੱਥ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਓ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿੰਨੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੂਕ ਸ਼ੁਕ ਮਾਰੋ, ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕਾ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਆਖਣਗੇ ਨਾ ਖਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੜਨ, ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੰਡ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਵੰਡ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਾਰੀਖ ਚੋਂ ਵੰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਚੋਂ ਵੰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੰਡ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਕੁਰਾਨ ਲਾ ਰਹਿਬ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਲਾ ਰਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਲੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਲੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਐਣਕ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ,
कभी इतने आते हो ना झट को पहले तो आवाज़ सुना दे पाकिस्तान से कभी आवाज का मुकाबला हो कभी मुकाबला हो तो साढ़े को अलहमदुल्ला मौला दी अता ऐसे ऐसे इतने ना फरीदका साहब ने पढ़िया है और अपना जाफी साहब ने पढ़िया कमाल यार कमाल मैं तो अभी हैरान हो जिमें रस्से के मुकाबले होंगे ने कौड़ी के मुकाबले होंगे ने कभी टूरनामेंट हो तो साढ़े ही जित के आने मौला ने आवाज ही नहीं देखी अंदा तो फजलो करम लो जनाब तुसा कौन साहब वेख लो पढ़ता मैं तोजा थोड़े वो वजह पता की है तुम दरवाजे चो दरवाजे बंदा फितरतन दरवाजे अलो बहुत है जो बहुत बंदा दरवाजे अलो बहुत जो बहुत बंदा दरवाजे अलो नबी फरमाया ना मदीना तो दिल में शामिल ने मेरी खुशकिस्मती कि अलहमदुल्ला सारे हजरात अलहमदुल्ला मैं सुनते हैं मैं अर्ज कर रहा हूँ तारीख की ऐनक ला के कुरान ना पढ़ो कुरान की ऐनक ला के तारीख पढ़ो क्योंकि तारीख च गलतियां कुरान च नहीं मैं हम एड्डी वड्डी गलती तुम्हें कट के दसन लगा तारीख ने लिखे मुहम्मद मैं पीस बी अपॉन इट डिड नॉट नो रीड एंड राइट मुहम्मद लिखना पढ़ना नहीं जानते थे चवल चवल ही होंगी है भावे अंग्रेजी च मारी हो क्योंकि मैं पढ़ाया नवीं दसवीं की जमात पढ़ाता रहा नवी दसवीं की अंग्रेजी की पहली किताब यही लफ्ज है मुहम्मद मैं पीस दी अपॉन टेड नॉट नाउ रीड एंड राइट मुहम्मद लिखना पढ़ना नहीं जानते थे नऊज़ बिल्ला नबी अनपढ़ थे ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे ये तारीख है तारीख लिखे है नबी नऊज़ बिल्ला अनपढ़ थे मेहरबानी करके कुरान दी अनक ला कुरान आंदा यू अली मुहम्मद किताब वल हिकमा हमने मुअल्लम बना के भेजा बाबा जी के वालदे ग्रामी तशरीफ फरमान है इमरान शाह साहब के खालिक कायनात हमेशा आबाद रखे और पुत्रा दी खुशियां नसीब कर मैं दिली दुआ करूं कुरान कह रहा है यूं अली मुहम्मद किताबा वल हिकमा हबीब हमने तुझे मुअल्लम बना के भेजा है बुरे आले आले ओ मेरा कुरान ते हथे मुअल्लम अनपढ़ को नहीं कहते मुअल्लम टीचर को कहते हैं प्रोफेसर को कहते हैं लेक्चरर को कहते हैं पढ़ाने वाले को कहते हैं इहदा मतलब है तारीख ने चवड़ मारी है कुरान ने आख्या यू अली मुहम्मद किताब वल हिकमा जो कुरान की ऐनक लाएगा ना तेनू नबी मुअल्लम नजर आएगा जब तारीख पढ़ेगा तेनू अनपढ़ नजर आएगा इहदा मतलब तय हो गया और जिन्हू हूं तक तारीख ने मुहम्मद समझ च नहीं आन दिता अली समझ च तो जो है जना पैगंबर ने कदों फरमाया सी अली नू जरूर मौला मनो तेन कदों नबी ने गलमियों फड़ के आख्या इन अली नू मौला मन कदों बिल्कुल भी नहीं नबी ने फरमाया सारे जानता मौला है ही नहीं सारे नू अली नसीब ही नहीं जेड़ा बंदा नहीं मन सकता नसीबा रोवे तुम एवं परेशान हो पैगंबर आख्या वे मनो मैं मुजरिम जरूर मनो ऐ करो वरना ना पैगंबर ने सवा लक च खलो के आख्या ए सारे जानदा है ही नहीं मन कौन तो मौला
ਖੋਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ नमाज़े जनाज़ा हो जाए कई कई बंद हो जाए कई मसला वो जनाज़ा अगर कोई नहीं होता मैयत भी कोई नहीं वो बस बंदे खलोंदे ने जनाज़ा पढ़ छड़दे ने उन्होंने गाय बानना दुआ टूंगी तुसी जिनी मैं तकरीर करना मेरे नूं वेख के सुनो मेरे तो बाद किसी पसंदीदा आदमी नूं सारी सुनो जे वो आखे ना ठीक आंदा है ते गायबाना दाद दे छड़िया कोई जरूरी है मैं मर मेरी हाजरी बाबे ने कबूल कर ली मेरे वास्ते यही बड़ी शहादत है शाह जी बाबा जी तशरीफ फरमान है तो बाबा जी उतों उठ के सामने आए हैं मेरे वास्ते बड़ी शहादत मौला तुहानू जजाए खैर देवे मौला तुहानू जजा देवे ये जो मेरे लोग बहेंदे ने तुसीं उधरों कितने बहेंदे आया सैयद बैठे ने जो मेरे लो वेंद रहे तो तुम भी खुद आदर ना जो मेरे लो वेखो मेरा भी ओ ही पीर है जिदा मुंह वेखना ही जिक्र मौला तुम जसा दे मन कुन तू मौला हो फहासा अली जिसका मैं मौला हूं उसका पहले फिर मौला किनू मनने नबी पाक नू फिर मौला अली नू तुम्हें गल दसो हजरत अली की वजह तो मुंह ना पुसे करे अजे क्या अली नू की मनता है अली नू की मनता है अली नू की मनता है पहले नबी को मानेगा तो अली को मानेगा और कैसा नबी को मानेगा हमारे भाई कैसा अली को मानेगा जिस मैरिट ते नबी नू मने मन कौन तो मौला हो फहाजा अली नू मौला जिवें जिवें दा नबी नू मनेगा ते जिहड़ा नबी नू इन पढ़ मन गया हजरत अली नू की मनेगा वैसे एक मौली साहब ने पूछा मैं क्या यार ए नबी पाक खादशात लिखते सन कह लगे लिखते सन यहूद नू नसारा नू तो मैं वो तो तुसी आंदे हो मुहम्मद में पीपी जिस भी अपान डेट नॉट नो रीड एंड राइट वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे नौज़ बिल्ला तो खत किवें लिखते सन वो की फरमांदे सहाबा किराम लिखते सन मेरे लोग देखो यार कौन लिखते सन सहाबा किराम लिखते मैं क्या मसलन कह लगा मसलन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत यार अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा चो हजरत अली अलैहि सलाम सहाबा बिच भी शामिल होना हजरत अली चीओ तुसी ना घबराया करो तुहानू गल दसा मैं तुहानू हुणे ना दलाइल ऐसे देने ने तुसी जदों सहाबा च हजरत अली नू खिलार देना साडे आले सुन्नत दोस्त ते शिया विचों सड़ फड़ लग पैंदे यार कोई गल करन वाली कोई गल करन वाली सहाबा तुहानू एक गल दसा मैनू कुरान दी कसम हजरत अली नू भी सहाबा बिच भी खिलारीए ना अली फिर भी अली अज की महिला से कि तुसी खुदा की कसम नबिया में भी खिलारो ना तो यार सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मैं गल नहीं कर रहा मैं इतने अज दलील ऐसी दे के जाने सईदा के सामने 1,24,000 नबी हो मेरे नबी नू वखरे कर वखरे मिंबर ते बैठा बाकी जिन्ने नबी ने ना उन्हां विच भी अली नू खिलाड़ जे वखरा ना दिसिया ते मन ना छड़े नबी पाक मैं क्या खादशात लिखते सर कह लगा लिखते सर आप लिखते सर उस अगर नहीं सुहाबा लिखते मैं सुहाबा चो पढ़े लिखे सुहाबा गया सर कह लगे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़े लिखे मैं उन्होंने आख्या हजरत अली तो पढ़े लिखा होता किस बोल तुम मेरे तो भी गुस्सा चढ़ गया मैं क्या हजरत अली तो पढ़िया लिखा होता किस बोल उन्हें आख्या सुलह हुदैबिया हजरत अली लिखी सी सुलह हुदैबिया हजरत अली लिखी सी मैं क्या यार मैं चेता आ गया बिल्कुल ठीक एक काफिर सी उधरों वह लिखता सी इधरों हजरत अली लिखते सर मैं क्या हजरत अली पढ़े लिखा हाँ जी मैं क्या यार हजरत अली कितों पढ़ गया सर वैसे मैं तेन पूछना अपने तौर पर कि वह तो नबी के घर पालते सर ना नबी नबी के कोल पालते सर नबी की गोद पालते सर तो वह पढ़ना लिखना कितों कितों सीख गया सर और मैंने कहता जो गल करोगे पुठी करो ना कि हो सकता बुजू भी पुठा सारा जान हाथों तो शुरू करता तुम पैरों शुरू कर और मैं जो हाथों तो शुरू करना पैर धो के शुरू करना असा मसा करना
होंगे ना पैर धो के छुड़ा ऐसी गल कोई नहीं पुठी गल की है मैं कह लगा की कहना मैं हजरत अली ने पढ़ना लिखना कितों सीखा से कह लगा फिर पुठी की है मैं क्या चलो सीधी कर दो कह लगा हजरत अली किधरों पढ़न लिखन की कड़ी लोड़ सी उन्हें सोने की जुबान नहीं सी चूसी मैं जी आयत मजीद पढ़ी ये कि लंबी बहस करा मैं जल्दी कर दे माँ काना मुहम्मद उन आबा आहद मेरे जाने को मैं क्या कुरान पढ़ो फिर तारीफ पढ़ो पहला कुरान पढ़ो मैं बहना पहला कुरान पढ़ो तो फिर तारीफ पढ़ो मसल तारीख हजरत अबू तालिब दे ईमान ते बहस बोलो तारीख हजरत अबू तालिब दे कलमे ते भी बहस तो जे पहला कितने कुरान पढ़िया होगे तो तेरी वो भी तारीख ठीक हो जाए गुजरात तो मंडी बहाउद्दीन जाइए तो उत्तर कुंजा पिंड आता कुंजा एक कस्बा कुंजा उतों के शरीफ कुंजा ही साहब प्रोफेसर शरीफ कुंजा ही उन्होंने पंजाबी तर्जमा किया कुराने पाक का पंजाबी तर्जमा किया राहिल शरीफ साहब भी उतों के सन शबीर शरीफ शहीद भी निशान हैदर वह भी कुंजा के सन लेकिन मैं उत्थे एक ऐसा बंदा मिले जिस कुरान का पंजाबी तर्जमा किया पंजाबी का अपना एक स्वाद है कि नहीं है मैं तुम मिसाल देना एक सूरह मुबारका हज की आयत 40 नंबर आयत उसका तर्जमा है अगर अल्लाह उन बंदों को ना रोकता तो मस्जिदें गिरजे ढा देते उन्हें की तर्जमा किया अगर अल्लाह उन्होंने मक्कू ना ठपता पंजाबी का अपना एक स्वाद है बाबा जी सराइकी का एक अपना लुत्फ पंजाबी का अपना लुत्फ उन्हें शायद का तर्जमा किया तारीख च बहस हजरत अबू तालिब के कलमे की कुरान चला फरमाता अलम यजिद का यतीम फआवा ए मेरे हबीब जब तू यतीम था मैंने तुझे जगह दी जहाँ तेरी यतीमी पलती रही वो जगह तुझे अलम यजिद का यतीम फआवा मुतकल्लम में मैंने तुझे जगह दी मैंने कारी सदाकत ली एडी मोटी किताब लिखी है अहले सुन्नत ने किताब मेरे को मौजूद है वो फरमाते अल्लाह के इत्माद को अबू तालिब कहते हैं उर्दू की है जब तू यतीम था हमने तुझे जगह दी पंजाबी तर्जमा ओ फरमाते ने हबीब जदों असा डिठा कोई सुन रहा डिठा देखिया जदों असा डिठा हालांकि हर वेल वेंदे जदों असा डिठा तेनू लोकी बे आसरा समझते ने असा तेरे सिर ते हाथ रख कमाल भाई कमाल ओए असा सुनो असा कुरान की कसम है जिहड़ा हाथ उत्ते रखे ना गल दस आ डॉक्टर मैंने ऐनक लाई है शीशा हो रहा है चलो मैं कहना हो रहा है इधर लाना तो बिल्कुल ठीक दसता ए मुताबक ए भाई जी कमजोर है मोटा शीशा जी ठीक है उस शीशा ए बिल्कुल सही दसता है हूँ वेखो जे अंज ला ला कख भी नहीं करते यह भी छड़ गई यह भी छड़ जिन्या बंदियां नू अली जैसे नबी तो बाद पर नजर आउंदे ना ऐन पुठी लाई ने मैं एक दलील दे कर करूं अल्लाह फरमाता मां काना मुहम्मद आबा हद मिन रिजालिकुम मुहम्मद तो मर्दों में से किसी के बाप ने मुहम्मद तो मर्दों में से और यार अल्लाह कह रहा है तुम में से रसूल किसी के बाप नहीं भला कर रसूल अल्लाह ही व खातम नबी वो तो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के खातम कर नबियों को खत्म करने वाले हैं शुक्रिया मुहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं आयत दा शान रसूल पढ़ा तो थोड़े को इजाजत लवा 34 मिनट हो गए 10-15 मिनट की गुंजाइश मेहरबानी ये शान रसूल की जैद ना का बच्चा अगवा हो गया उस दौर च बच्चे बिकते सन
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਡਾਕੂ ਡਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਤੇ ਕਾਫਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਹਿਤ ਸੀ, ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਹਿਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ, ਸਹਾਬੀ ਤੁਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ? 1,24,000 ਜਾਂ 20,000, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣੇ? 1,25,000, 1,25,000 ਸਹਾਬਾ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਬਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਹਾਰਸਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਲੰਮਾ ਕਜ਼ਾ ਜ਼ੈਦ ਉਲ ਮਿਨਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ। 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਕਿਸੇ ਵੇਚਣ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ 8-9 ਦੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਐਡਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖਦੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਸੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਫੁੱਫੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੋ ਜਾਣ, 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਈਫ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਊਂਠ ਚੁਰਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਯਤੀਮ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਸੁਣਿਆ ਆਬਾਦ, ਇਹ ਵੀ ਯਤੀਮ ਪਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜਾਣ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਹਿਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਾ ਸਹਿਦ ਇਬਨ ਹਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੀ ਸਹਿਦ ਇਬਨ ਹਰਸਾ, ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਹਰਸਾ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਨਾਬੇ ਖਦੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਤਵਾਫ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜੂਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖੇਡਿਆ, ਤਵਾਫ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਵਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾ ਹੈ ਸਹਿਦ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹਰਸ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਮਰ ਚਲੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਾੜੀ ਪੈ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਜ਼ੈਦ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਜ਼ੈਦ ਹੈ? ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ੈਦ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੈਦ ਜ਼ਿੰਦਾ। 2 ਕਦਮ ਪਰਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਪੁੱਛੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਅੱਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ। ਕਰੀਬ ਆਈ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਹਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰਸਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ੈਦ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਹਰਸਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਹਰਸਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਪ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜ਼ੇਵਰ ਪੈਸੇ ਗੱਠੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਖੜਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ।
और यार जिन्हें पैसे लाए होंगे सारू कुछ लैके ही वापस कर दे। उन्होंने रिश्तेदारों को उधार हर शह मंगी, गठड़ी बनाई जेवरात की, दिरहम दिनार की, मक्के आ गए, दरवाजा खटखटाया, दो त्रै जुमले ने बस उत्थे नबी चौकी च बैठे सन। अज दरवाजा खुलिया बीबी नाल ते नाल बंदा दोवे जी सन, जिवें दरवाजा खुलिया ना सामने सरकार का चेहरा नजर आया। मैं एडा खूबसूरत तारीख का बाबा जी जुमला तारीख इंसान ही चो लगा वो आंदा बीबी ने चेहरा वेख्या सार आख्या अपने शौहर नूं हार सा जे ते एदे कोले ना इस लैणा भी कुछ नहीं ते दे हुंदा। हाय हाय जिहदी सूरत उहदी सीरत नजारा नेड़े आए। तुहानूं पता बीबी सच्ची होई होवे ना बंदे दे सामने एक गल जरूर करदी सुना, बीबी सच्ची हो जाए शौहर दे सामने किसे गल जदों गल होवेगी ना उहदी सच्ची उदों इहने इक वारी जरूर आखेगी बंदे ने सुना। तेन आख्या बंदा बदन बीबी आखे ने एक सूट लैना है वो आखे 11 बज गया दुकाना बंद ने, वो आँदी है चल वेखिए तो सही बंद हो गया तो वापस आ जाएंगे, खुलिया होंगे ने इस वेले बंदा मगर मोटरसाइकिल से बाकर ला जाए दुकान खुली हो दुकान चो अंदर बढ़न तो पहला उन्होंने आँदी सलाह मनी ना किसी की तू बीबी आखे ने दो छापर चाड़ ला किनुआ तो बंदा आके एक ही ठीक है तो मोटरसाइकिल नाल बन लै अगे जाके पाठ जाए आँदी है सलाह। जिवें सामने आए ने सरकार ने आख्या चुक लो दिरहम दिनार बार बहुत शाह जी को बंदा आंदा जंद बार बहुत तो जो है हजूर ने फरमाया दिरहम वापस दिनार वापस जेवर वापस क्यों, फरमाते ने मैं बताने ही ये आया हूँ इंसानों की कीमत डालना हराम है। हमारे यार सारी ठाव में दलील दे के जा इंसानों की कीमत नहीं पाई दी जो नबी आख्या ना मैं लैना भी कुछ नहीं तो लै जाओ बेटा है हजरत हारसा की बीवी आख्या सुना की खैर मैं हजूर की गल नहीं की सुना हो सकता जी ठीक है मन गया जी तुम पुत्र बुलाओ सा हजरत जैद आए मैं नहीं दस सकता बाबा जी मेरी खिताबत कमजोर है कि माँ कि चूमे प्यो कि चूमे प्यार किता यार नौ साल बाद बेटा जिंदा तो बदमाशा खो के खड़िया वापस मिल गया प्यार करके फारग होए नबी ने मेहमान नवाजी कर तो बाद आख्या ये लै जाओ पैसे असी नहीं लेंगे शर्त एक ही है जाना तो लै जाओ। वाह भाई वाह जाना मैं करीब आ गया उस दलील से जी मैं दे के जाने जाना तो लै जाओ। हजरत जैद आए मेरे मुड़ के खलोते माँ ने आख्या बेटा चलिए इतने सुआद है ना पंजाबी का हो सके कितने थोड़े बंदे सुने हो सके पुत्र घर हो सके कहड़े घर हो सके बेटा इतने तो तू पलता रहा घर तो तेरा वो ही है जिथे तेरी माँ है जिथे तेरा बाप है कह लगा फिर रखो उथे तेरी माँ है उथे तेरा बाप है दलील ते जैद तेरी दलील तो सुन के कह लगा अम्मा अगर माँ बाप की वजह तो जाना ना जा जाके ऐलान कर दे खदीजा जैसी माँ कोई नहीं मोहम्मद जैसा बाप सदके जावा आवाज रवानी करीब अगली गल तुसी कर सकते हो ये सजदा दे कर दी गल ये ही कर सकते हो यार सुन ला मेरे मन बच्चे यार सुनो सुनो ये कर सकते हैं ये ही करते हैं मेरे लोग जो वापस जान लगे ना नबी पाक जी गल की है कोई अखीर है ये मैं बहस नहीं करना चाहता नबी आकर तुर चले उन्हें तुर चले जो मर्जी आकर मिल लो ये जो मर्जी जाए साढ़े लोग कोई पाबंदी नहीं ये आजाद है। वैसे जो असी नबी आके असी यदि शादी करा ना तुम भी आए सही वाली गल जो असी यदि शादी करा तुम भी आए नबी ने शादी कर दी कर भी हाशमिया बीबी ने की अल्लाह फरमाना दो वजूहत सन एक तो लोग विके गुलाम की कदर नहीं सन करते असी गुलामों की कदर बढ़ाना चाहते एक दूसरी गल कि मूँह बोले बेटे बेटे ही बन बेंदे सन असं उस गलू वाजे करने वास्तव शादी कर जब शादी हो गई बीबी वे खानदान की सी जैद विकया बकाया गुलाम से तो तुम्हें पता बीबी खाते पीते घर की हो बंदा माड़े घर का हो बंदा जरूर हों पर बंदा शादा कोई नहीं तो इलाके जो ना हों साडे इलाके तो जी वे खानदान की बीबी होन कार लैके आई हो ना कार तगले घर कार कोई ना हो तो सहुरे की बड़ी इज्जत भी करती हो अब्बा जी भी आँदी हो अब्बा जी
ते वो भी फिर सौरे नवा दी अब्बा जी इधरों के बो कदी अगे बैठे हो तो कोई बुला सुभान ये जड़े सन ना जी तने गल दस बेटियां दी शादी ना एक ते रिवाज पुराना होंदा सी मैं जमदियां दे छड़ी है जमदियां शाबाश तेरे जमन ते ओ कुड़ी बीएससी कर गई है ते मुंडा अनपढ़ ओ आंदी है मैं जमदियां दे छड़ी चल ओ बीएससी शौहर बेचारा अनपढ़ होवे ते बच्ची बीएससी होवे अगर टीचर लगी होवे किसे हाई स्कूल मिडिल स्कूल च ओनू मैसेज भी ना पढ़ना आए शौहर नामदार नू सरताज नू सरताज नू मैं सच ना पढ़ना आए तो फिर बीवी नू आंदा ओ ए नहीं आंदा पढ़ी अब पढ़िया जे जरा पढ़िया जे पढ़न तो पहला ना सर ताज हुंदा इत्थे ताज ओ इत्थे ताज वाले थां हाथ मार के आंदी है ए मेरे वास्ते जमया सर अजे नहीं समझ नहीं मेरी तकरीर बच्चा तू मक्खी मारना तो मैं समझना मैनू क्या आंदा पता तू अजो है ना ओ बीबी बड़े खानदान सी शादी बाबा जी ज्यादा देर चली ने तो मैनू दे आजे माफी मेरा बच कोई कसूर नहीं और रोज ताने खांदा सी जैद और नबी पाक नू आके आंदा सी यार सुन ला मैनू ते गुलाम आंदे ने कि तू गुलाम सै उथो तेन बदमाश लै गया उथे तू विक गया ना तो मैं मर्जी नाल बदमाशा कोल गया ते ना मैं मर्जी नाल विकया मेरे नाल ट्रैजडी हो गई वह मैनू समझदे कख नहीं नबी आके तो गुजारा किवें पिया हुंदा जे इज्जत तू सलाम करना जैद नू कहन लगा यार सुन ला गुजारा नहीं था तेरे फैसले का एहतराम कर हाय हाय गुजारा कोई नहीं सी हुंदा तेरे फैसले का एहतराम पे कर आखिर तंग आ गया तो पैगंबर ने वेख्या पैगंबर भी समझाया और ना समझे हजरत ज़ैनब उन्हां दा नाम सी वह तलाक नबी आख्या हो गई दे छड़ और जो नबी आख्या ना तलाक दे छड़ उदों कचहरी जाने की लोड़ नहीं नबी आख्या तलाक है तो तलाक है वह तलाक हो गई वह फिर नबी पाक कोल बीबी आई तो आके कहन लगी आज पढ़न लगा छड़न लगा आके कहन लगी यार सुन ला वो फिर तलाक हो गई जी हजूर आख्या ठीक ही हो गया तुसी भी तंग ही सोना गुलाम तो जान छुट गई जी कहन लगी हुण मैं किसे ना सरदार नाल कराना ते कराना तुसां ही किदे करना जी ते किसे सरदार नाल कराऊंगा पैगंबर आख्या मेरे तो वड्डा सुल्तान अल्लाह बनाया ही मैं लिहाजा उस बीबी की हजूर नाल शादी हो गई फिर मेरे लोग कई बंद गल ही पहली बार सुनी है बंद तो फिटना मेरे मुंह जी रुबाई अगर कभी ना सुनी हो बंद कितों आई कई बंद बाबा जी शाने नसूर ही पहली बार सुने कि जैद गुलाम सिंह शुक्रिया किबला जैद गुलाम सिंह हजूर ने शादी बड़े खानदान से की शादी ना चल सकी वो बेटा मुँह बोला नबी का सी को तलाक तो आके नबी ने अपने कर ली और पूरे मक्के जिमें बूरे वाले बंदे चुप होए ने पूरे मक्के दियां जीभां निकल गई तुम तो परेशान हो ना सिर्फ एडी एडी जीभां निकलियां पूरे मक्के दियां कहन लगा लो जी पहला पुत्र भी बीवी नाल निकाह कराया पहला पुत्र की बीवी नाल सर के कहना निकाह कराया फिर नूह को तलाक दवा के मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपने नाल निकाह कर लिया अल्लाह फरमाया चुप रहो मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालकुम जब मुहम्मद किसी का बाप ही नहीं है नूह कैसे बन गया सुभान अल्लाह हो गई है मैं मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालकुम तुम में से एक ज़ायद नहीं एक ज़ायद नहीं पूरी उम्मत सुन ले तुम में से मोहम्मद किसी का बाप सारे नहीं बोल रहे औखे हो गए बोले मावे की जा कर अंदर हाय तेरी बात से ए ए ते तेरे वास्ते ने तू आखे कि तुम में से किसी के बाप नहीं तुम बड़ी गल कर लगे बाबा जी तुसी सैयद हो एक कुरान है जदों अल्लाह कहे ना तुम में से मेरा मोहम्मद किसी का बाप नहीं सारी कायनात उस तुम में आती है सवाए अली के पता नहीं मजलिस भी हुआ तेरे सारे उठा होगा मेरा मा काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालकुम मोहम्मद तुम में से किसी के बाप बाबा जी शुक्रिया तुम्हारा हाथ मेरे वास्ते काफी तुम में से मोहम्मद किसी के बाप नहीं मोहम्मद तुम्हारे बाप ने मोहम्मद का कोई बेटा नहीं
जब अल्लाह ने सारी कायनात मना कर दिता कि नबी को अपना बाप ना कहना, नबी को मना किया किसी को बेटा ना आखी, उदो अल्लाह ने नबी को आखिया अली दे दोवे चुप ते उच्ची आख अपना मैं दावा कर रहा जो मैं दलील दिया वो देन लगा दावा कर रहा पूरी कायनात ते अली कल भी एक सी आज भी एक है फिर भी एक रहेगा लड़ना अली छुड़ाने साढ़े को अली छुड़ाने जो बंदा इतने किसी बंद आके आके उठ उठता उठ वो बाहर आके आके की आ तेन मजल सुना की सुने जी आ तेन मजल सुना वो आके मजे से मैं सुनना पे बोलता छट पता इन की सुनना यह गैर सईद है जिते तेन मैं से लैके चला वो सईद है यह पंजाबी पढ़ते वो उर्दू पढ़ते ये उत्तों वेख के कुरान पढ़ते वो जबानी कुरान पढ़ते ये पंजाबी है वो कराची है आखिर उन्हें त्रै चार के बाद दस नहीं एक कार से आया गड्डी से आया वो जहाज से आया पाँच बाद उस दस यह पंजाबी है उर्दू है एक गैर सईद है सईद है उत्तों वेख के पढ़ता है वो सुबानी पढ़ता है वो कराचियों आया ये इतों का है ये गड्डी से आया वो जहाज से आया इन अंदर वाद है ये पांच वे वाद ने ता जाएगा ना वाटे समझ तो सद गया वो जिन्हों इतों उठाने मजलिस चो जाएगा तो उत्थे जिथे चार पांच वादे हो तू साडे कोलो आली छुड़ाने अगे कोई बंदा ते दस दे कोई वादा हो बाकी सारे मेरे तो पड़ गए मैं फिर पहला किसी और हाथ ना पा रही किसी वे हाथ ना पा रही सारे मेरे तो वे सारे तो छोटे का चैलेंज क्यामत का क्यामत बुरे वाले ने सिंध पंजाब ने पूरी कायनात च मेरा चैलेंज है जाके उलमा नू विखाओ कुरान ते हथ रख के कह अल्लाह दी पूरी कायनात च मैनू अली कढ के बंदा विखा जिदे पुत्र नबी नू अब्बा कह सकदा फजाइल तो छड़ सकना छड़ फजाइल तो छड़ सकना शुक्रिया बहुत टाइम हो गया 52 मिनट हो गए इतने छड़ दे तारीख की नजर में हसनैन सहाबी के बेटे हैं किन्ने बंदे हल्ले ने मेरे नाल तारीख की नजर में हसनैन हजरत अली सहाबी के बेटे हैं कुरान की नजर में आखना सी खुले देना कुरान की नजर में हसन है नबी के बेटे हैं फिर तारीख सिद्धि कर लड़क सिद्धि कर लड़क सिद्धि करे तो तारीख सिद्धि हो आज ना ना ला आज ना ना फिर तेन मैं दसा लोग कहते हैं यजीद ने हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत मांगी ते तारीख का जुमला की है सहाबी के बेटे ने सहाबी के बेटे से बैत मांगी कुरान मेरे सिर पे सहाबी के बेटे ने नबी के बेटे से बैठ हमारे सर उठा भाई सहाबी के बेटे ने सहाबी के बेटे से बैठ नहीं मांगी सहाबी के बेटे ने ये गुस्ताखी की कि नबी के बेटे से बैठ मांगी तारीख सिद्दीक आरे दोवे नबी के बेटे अली का लिहाज नहीं सी करना तो नबी का ही कुछ लिहाज कर अली दे बेटे नबी दे बेटे ने फिर दिल च हथ रखो फिर अली दी नूह नबी दी नूह
यार जो नबी के बेटे अली के बेटे नबी के बेटे तो फिर अली अलैहि सलाम दी नूह नबी दी नूह नबी दी नूह। चलो एक जज दो तीन मिनट से जुमला पढ़ देना अपना हिस्सा पा देना मजलिस अली अलैहि सलाम दी बेटियां अली दी बेटियां सन जिहड़ियां नूह होंदियां ने किसे दे घरों आईयां जो अगले घर आके कोई वैर शहर वेखण ना अपने सहुरिया का वैर वो आके आदियां ने असीं ते कदी किसे नाल लड़े नहीं सन जदों दी इत्थे आईयां साडा वैर पै गया तो साडे पुत्र इस घर ते कुरबान हो गए मैं गर्दन कटा देंगा जे किसे अली दी नूह ने किला कीता तीआं ते किला बाजारां च भी रोंदियां ने तीआं ते दरबारां तक भी आईयां ने तो प्यो के बदले दिते मैं शबे अशूर पढ़िया मौला अली दियां नूहां जिन्नियां बेटे पियां तैयार कर दियां सन खुदा की कसम जी और कोई शायद नबी दी अली दी बेटी ते अली दी बेटी है हर बीबी अपना बेटा तैयार कर अली दी नूह नबी दी नूह जिदा 13 साल का सी वह भी मुतमन सी जिदा 18 साल का हुसैन दा वह भी मुतमन सी एक ऐसी सी जिदे सामने एक झूठा सी उल्ले पासे आप बैठी सी परले पासे धी बैठी सी धी हल कदी टोरदी सी ओह धी उहदे नाल टोरदी सी ते वेख वेख के ना असगर नू बीबी आंदी सी कदी करबला 10-12 साल बाद होंदी मैं ते मामा मुहम्मद नाल टोर के करदी मैं हशर वाले दिन नबी दी उहनां नूहां खड़ो जांदी जिन्हां दीन ते कुर्बानियां दित्तियां सहारा दा नाल अंदर आया फरमांदा तू मुत मिल रहो उहनां दी सवारी जवान होणगे तेरे पुत्र दी सवारी इमामत हो पिछले दुनिया भी अमीर सन जिथे आई है दुनिया के भी अमीर सन और दीन के भी अमीर सन एडी लाडली नूह सी हजरत अली अलैहि सलाम दी ते मुस्तफा दी तुसी कदी अमीरां नूं उजड़िया कोई ना वेखो मैं दुआ कर रहा गरीब के अगे गरीब होंगे ने उन्हें धुप्पा वेखिया उन्हें मजदूरिया वेखिया जो अमीर घर की बीबी उजड़ी है वो देख लोग आते ने वेखन वाली गल ही कोई नहीं उजड़ी है ये दो अमीर घरानिया की धी तेन मैं पढ़े 10-11 मुहर्रम जो करबला निकली है ना ये आज शहीद आजम की कटी लाश वेख के चुमला एक बीबी अगे आज वेख के फरमाती है मैं सहारा का नाम इस बीबी की चादर नेजे चादर एक गंढ से जिहड़ी नाल बीबी फटती रही इस गंढ में मेरे बंदे लै गए चादर लुटिया गई जिदन वापस मिली ने उदन बीबी बड़ी बीबी को आख्या बीबी जी मेरे वाली चादर से उसके नाल एक गंढ पत्ती जे किसी खोल ली हो ठीक तो जे किसी के काम की शायद ना हो सकता बच गई तो मेरे वाली चादर मुमकिन हो सकता तो मैं दिया चादर वढ़द्या वढ़द्या बीबी वेख्या तो चादर निकले बीबी फरमाती परजाई चादर तेरे आ गई गंढ भी उस फरमाते अद्धी चादर बीबी सर ते लई अद्धी इत आखिर जुमला पढ़ एक कदी कदी दो दो चार चार मिनट बाद मुख्तार का दिन एक बार छां आ जाओ चलो मोमन का दिन ठीक हो जाएगा
इन्नी मेहनत पे करता है सारे दुश्मनों पे मारता है। बीबी फरमाया सज्जाद जरा अपनी फूफी को तो बुला के है मैनू पता है तुसा सुनिया तुसा चुप नहीं करना जो बीबी जैनब कहना गंढ कौर